Question number 22. Kimaya and Hina started walking from the point P at the same moment in opposite direction on a 800 meter long circular path as shown below. Kimaya walked to the clubhouse at an average speed of 100 meter per minute and Hina walked to badminton court at an average speed of 80 meter per minute. द लेंथ ऑफ सर्कुलर ट्रैक बिटवीन द क्लब हाउस एंड बैडमिंटन कोर्ट इज वन मीटर देखिए पॉइंट पी से कि माया इधर चलना स्टार्ट हो रही है हिना इधर को आ रही है क्लब हाउस और बैडमिंटन कोर्ट के बीच की जो दूरी है ये 180 मीटर है इफ हिना टुक वन मिनट मोर देन के माया हिना एक मिनट ज्यादा ले रही है की से रीच फॉर डेस्टिनेशन फाइंड टाइम टेकन बाई हिना टू रीज द बैडमिंटन कोर्ट शो योर वर्क देखिए यहां पर ये पॉइंट पी है कि माया इधर चलना स्टार्ट करती है कि माया। और हिना इधर चलना स्टार्ट करती है यहां पर क्लब हाउस है और यहां पर बैडमिंटन कोर्ट बैडमिंटन कोर्ट ये जो दूरी है ये एक सौ अस्सी मीटर है ये आपको इतनी इंफॉर्मेशन दी गई है साथ में आपसे बताया गया है कि टोटल ये जो दूरी है ये एक एट हंड्रेड मीटर है पी से चलना स्टार्ट करें वापस पी पर आ जाएं, तो ये एट हंड्रेड मीटर है यानी अगर हम पी से क्लब हाउस की डिस्टेंस लेट डिस्टेंस या दूरी सर्कुलर फॉर्म में जो है बिटवीन पी एंड क्लब बी एक्स मीटर अगर हम ये दूरी एक्स मीटर ले लें तो ये दूरी कितनी बचेगी देन पी टू बैडमिंटन कोर्ट जो डिस्टेंस होगी कितनी होगी देखिए टोटल जो दूरी थी वो एट हंड्रेड थी एट हंड्रेड से एक्स माइनस कर देंगे और ये 180 माइनस कर देंगे तो इसके बीच की दूरी आ जाएगी देखिए इसको हमने एक्स सपोज कर लिया है और ये कितना आ जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 700 हंड्रेड एट माइनस हंड्रेड सेवन और 80 तो 620 ट्वेंटी माइनस एक्स ये जो दूरी है ये आ गई आपकी 620 ट्वेंटी माइनस एक्स मीटर और हिना की जो स्पीड है एट्टी मीटर पर मिनट दी गई है एट्टी मीटर पर मिनट जबकि किमाया की स्पीड दी है हंड्रेड मीटर पर मिनट पर मिनट अब बच्चों ध्यान दें इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि हिना टुक वन मिनट मोर हिना यहां तक पहुंचने में एक मिनट ज्यादा लेती है तो यहां पर हम बोलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हिना को कितना टाइम लगेगा तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड डिस्टेंस क्या है सिक्स ट्वेंटी माइनस एक्स अपॉन स्पीड है एट्टी यह आ गया टाइम टेकन बाय हिना माइनस टाइम टेकन बाई किमाया जो कि डिस्टेंस एक्स है और स्पीड हंड्रेड है इज इक्वल वन मिनट का डिफरेंस है दोनों में ये दिया हुआ है यहाँ पर फोर हंड्रेड एल्शियम ले लेंगे एट फाइव जाद तो फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो फाइव टू जैद टेन फाइव सिक्स जैद थर्टी और वन थर्टी वन माइनस फाइव से यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे माइनस हंड्रेड को फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तब फोर हंड्रेड बनेगा ये फोर एक्स हो जाएगा इज इक्वल वन अच्छा इसको सॉल्व कर लें तो यहाँ आपको मिलेगा थ्री वन जीरो जीरो माइनस नाइन एक्स इज इक्वल फोर हंड्रेड माइनस नाइन एक्स इज इक्वल थ्री वन जीरो जीरो माइनस हो जाएगा फोर हंड्रेड में उधर जाकर तो माइनस का टू सेवन जीरो जीरो बचेगा माइनस से माइनस कट हो जाएगा तो एक्स आ जाएगा नाइन थ्री थ्री हंड्रेड मीटर ये आ गया आपसे पूछा गया था टाइम टेकन बाय हिना तो हिना का टाइम आपको निकालना है तो यहां लिखेंगे टाइम टन बाय हिना तो हिना ने टाइम कितना लिया डिस्टेंस टू टू सिक्स ट्वेंटी माइनस एक्स अपॉन स्पीड एट्टी यहाँ वैल्यू रख देंगे तो ये हो जाएगा सिक्स ट्वेंटी माइनस थ्री हंड्रेड अपॉन एट्टी बच्चों यहाँ से मिलेगा आपको थ्री ट्वेंटी अपॉन एटी जीरो जीरो कैंसिल और एट फोर जै थर्टी टू तो यहां से जो आंसर मिला फोर मिनट ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा बच्चों क्लियर हो गया होगा और इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री की तरफ शोन बिलो इज अ सर्कल वि सेंटर ओ एंड थ्री टैंड ड्रॉन एट पॉइंट ए ई सी एज डायमीटर ऑफ द सर्कल टेंजेंट्स इंटरसेक्ट एट प्वाइंट बी एंड डी बी पे और डी पे कट कर रही है बेस्ड ऑन द एब इंफॉर्मेशन इवलवेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स जस्टिफाई योर आंसर ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स ही जस्टिफाई करना है और एटलीस्ट वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए डी बी इज पैरेलल ये आपको प्रूव करना है देखिए यहां पर पॉइंट ए सिंस ए इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तो क्योंकि ये भी टेंजेंट है इसलिए एंगल ओ ए बी इज इक्वल नाइन्टी डिग्री होगा इसी तरह से पॉइंट ई इज आल्सो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इसलिए एंगल ओ ई डी इज इक्वल नाइन्टी डिग्री होगा और क्योंकि ये नाइन्टी है और ये नाइन्टी है इस वजह से ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल होंगी या आप ये कह सकते हैं ये एंगल इसके इक्वल है ऑल्टरनेट एंगल सिंस एंगल इसको नाम एफ दे देते हैं एफ ए ओ इज इक्वल एंगल ओ ई डी ये वाला एंगल इसके इक्वल दिखा दिया इसलिए ए बी लाइन पैरेलल होगी ई डी के ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होंगी जब इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री हो या ये और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे ऑल्टरनेट एंगल तो भी ये लाइन आपस में पैरेलल होंगी तो जो दिया गया था वो ट्रू था और ये उसको एक्सप्लेन करने का तरीका हो गया और इसी के साथ बढ़ते ट्वेंटी फोर की तरफ शोन बिलो इज अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ वॉल्यूम वन थ्री सिक्स डबल जीरो सेंटीमीटर क्यूब फाइंड द एंगल विच स्लैंड मेक्स विद बेस रेडियस शो योर वर्क आपकी ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है जबकि पाई थ्री दिया गया है रूट टू वन पॉइंट फोर है रूट थ्री वन पॉइंट सेवन दिया गया है तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्वेंटी फोर यहां पर यह आपको ट्वेंटी सेंटीमीटर दिया गया है रेडियस इज इक्वल ट्वेंटी सेंटीमीटर यह एंगल आपको फाइंड आउट करना है और इस एंगल को सपोज कर लेते हैं हम थीटा आपको पाई की वैल्यू थ्री दी गई है आपको रूट टू वन पॉइंट फोर दिया गया है और रूट थ्री वन पॉइंट सेवन दिया गया है यहां पर आपको इस कोन का वॉल्यूम दिया हुआ है सिंस वॉल्यूम इज इक्वल वन थ्री सिक्स डबल जीरो सेंटीमीटर क्यूब बच्चों कौन के वॉल्यूम का यहाँ फार्मूला रखेंगे वन बाई थ्री पाई आर स्क्वायर एच इज़ इक्वल वन थ्री सिक्स डबल ज़ीरो वन बाई थ्री पाई की वैल्यू थ्री आर स्क्वायर ट्वेंटी इंटू ट्वेंटी और एच इज़ इक्वल वन थ्री सिक्स डबल ज़ीरो यहाँ थ्री थ्री कैंसिल हो जाएगा दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो गया टू टू ज़ा फोर अपॉन में आएगा तो एच इज़ इक्वल वन थ्री सिक्स अपॉन फोर एच मिल जाएगा फोर थ्री ज़ा फोर फोर ज़ा एच थर्टी फोर सेंटीमीटर हो गया थर्टी फोर बच्चों आपको थीटा फाइंड आउट करना है तो यहाँ पर हम टें थीटा इस्तेमाल कर लेंगे टें थीटा इज इक्वल पर पंडिकुलर अपॉन बीस टेन थीटा इज इक्वल होता है पर पेंडिकुलर अपॉन बीस टें थीटा इज इक्वल पर पंडिकुलर थर्टी फोर है और बीस ट्वेंटी है यहाँ से आपको मिलेगा टेन थीटा इज इक्वल टू वजा और पॉइंट टू सेवनजा वन पॉइंट सेवन बच्चों वन पॉइंट सेवन आपको रूट थ्री के इक्वल दिया हुआ है तो यहाँ हम रूट थ्री लिख सकते हैं और टेन थीटा इज इक्वल रूट थ्री वैल्यू होती है टेन सिक्सटी डिग्री की और जब यहाँ टेन टेन रिमूव कर देंगे तो थीटा आपका बचेगा सिक्सटी डिग्री और यही फाइनल आंसर होगा आपको थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी और बच्चों इसी के साथ बढ़ते हैं ट्वेंटी फोर के और पार्ट की तरफ शोन बिलो आर टू राइट ट्राइंगल्स एक ये दिख रहा है एक ये दिख रहा है फाइंड लेंथ ऑफ द अननोन साइड मार्क आपको इसकी लेंथ निकालनी है शो योर वर्क बच्चो यहां पर आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल ये दिया एक ये दिया हुआ है नून को हमने एक्स मान लिया एक्स निकालना है और ये टू दिया हुआ है फोर्टी फाइव और ये सिक्सटी डिग्री अगर हम ट्राइंगल ए बी डी की बात करें इन ट्राइंगल ए बी टी बच्चों यहां पर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी साइन थीटा का इस्तेमाल करेंगे और साइन थीटा इज इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस तो साइन थीटा फोर्टी फाइव डिग्री आपको दिया हुआ है परपनडिकुलर टू है और हाइपोटोनियस बी डी टेन फोर्टी फाइव वन बाई रूट टू होता है टू अपॉन बी डी बच्चों यहाँ से आपको बी डी मिल गया क्रॉस मल्टीप्लाई टू रूट टू सेंटीमीटर यानी ये टू रूट टू सेंटीमीटर आ गया अब अगर आप इस राइट एंगल ट्राइंगल में लेंगे तो ये सिक्सटी डिग्री दिया हुआ है और नाइन्टी के ठीक सामने हाइपोटूनियस होता है यानी आपको बेस दिया गया है और हाइपोटनियस दिया गया तो यहां पर कॉस ले लेंगे इन ट्रायंगल बी डी सी इन ट्रायंगल बी डी सी यहां पर लिखेंगे कॉस सिक्सटी इज इक्वल एक्स अपॉन कॉस सिक्सटी इज इक्वल बीस अपॉन हाइपोटिन्यूस बीस यहाँ पर एक्स है और हाइपोटिन्यूस टू रूट टू अभी अभी ऊपर निकाला आपने यहाँ पर कॉस सिक्सटी की वैल्यू वन बाई टू होती है एक्स अपॉन टू रूट टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स आ जाएगा टू रूट टू यहाँ आएगा और अपॉन में आप ध्यान दें टू टू कैंसिल हो जाएगा टैक्सी जिकवल आ जाएगा रूट टू सेंटीमीटर और ये फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का यही आपको फाइंड करना था